मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला बोला। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि राहुल का तो काम ही हो गया है बार बार देश की बदनामी करना और कोर्ट से माफी मांगना। कमलनाथ पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को भाजपा नहीं उनके ही लोग घेरते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में संदिग्ध से पूछताछ के मामले में कहा कि जिससे पूछताछ की गई उसका नाम मोहम्मद हसन है, उसकी उम्र 27 से 28 साल है, ये कुछ समय पहले ही दुबई गया था। एएनआई को इस पर शक हुआ। एमपी पुलिस और एएनआई की टीम ने इससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद इसे छोड़ दिया गया। साथ ही गृह मंत्री ने राहुल गांधी की सजा पर कहा कि मैंने राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेसियों के ट्वीट देखे हैं जिसमें वो राहुल को निर्दोष बता रहे हैं। यदि राहुल दोषी नहीं है तो यह 7 बार जमानत पर क्यों है? 3 बार उन्होंने कोर्ट में क्यों माफी मांगे? इसका जवाब कांग्रेस ही दे। राहुल विदेश में जाकर देश की बदनामी और देश में रहकर भी देश की बदनामी ही करते हैं। कहते हैं कांग्रेस के ट्वीट मैंने देखे कईयों के, कहते हैं कि अपराधी नहीं है। हम कब कह रहे हैं अपराधी है, पर 7 बार जमानत पे तो है। 7 बार जमानत पे क्यों है ये बताएं। 3 बार अदालतों से माफी क्यों मांगी है ये बताना चाहिए। अगर सत्य बोलती हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। अगर जेल जाने से उन्होंने लिखा है डरते नहीं है तो फिर जमानत क्यों ली? नरोत्तम मिश्रा ने ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने पर कहा कि ओलावृष्टि पर कोई भी कांग्रेस का नेता किसानों के पास नहीं गया और ये कांग्रेसी कोरोना काल में किसी के पास नहीं गए और इन सब के बावजूद भी हर जगह कहते हैं ईवीएम खराब है। साथ ही गृह मंत्री ने अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कहा कि कमलनाथ को घेरने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कमलनाथ को तो उनके ही नेता घेरते हैं। अमित शाह बड़े नेता हैं, पार्टी के नेताओं से संवाद करने आ रहे हैं। सिंह जी की जिक्र कर रहे हैं ये। अच्छा आप बताओ, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई मध्य प्रदेश में, किसी एक खेत पर देखे क्या? फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। बाढ़ आ गई प्रदेश के अंदर, बाढ़ के वक्त एक भी दोनों में से देखा क्या? फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। पूरे कोरोना के पीरियड में, कोरोना काल में एक भी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी एक भी अस्पताल में नहीं दिखे, गरीबों को अनाज बांटते नहीं दिखे और फिर कहते हैं कि ईवीएम खराब है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।